हेलो फ्रेंड्स, ये आज मुझे हेयर स्पा करना है। अभी थोड़ी दिन पहले ही इनकी रिबॉन्डिंग करी थी, स्मूथनिंग। देखिए इनके बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आज इनका हेयर स्पा होना है। थोड़ा लेट कर दिया इन्होंने आने पे, और सब लड़कियों का हेयर स्पा हो चुका था तो मैंने ऑयलिंग शुरू करी है। पहले ये इनको ऑयल बहुत अच्छे से करवाना था कि आंटी मेरे को ऑयल बहुत अच्छे से करवाना है, तो आप ऑयल अच्छा करिए, मेरे बहुत ड्राइनेस आ रही है मेरे बालों में। तो मैंने अपना जो स्पा वाला ऑयल था, जो मैं बताती हूँ आपको, 2 महीने पहले जो मैं रखती हूँ वही वाला ऑयल यूज़ करा मैंने। उससे मैंने मसाज अच्छे से करनी शुरू करी इनकी, इनके स्कैल्प में वो ऑयल डाल डाल के मैंने मसाज करी धीरे धीरे करके। ये कह रही थी मुझे तेज़ मसाज नहीं करवानी, लेकिन अच्छी मसाज करवानी है, ऑयलिंग ज़्यादा अच्छे से करनी है। तो मैंने उसी प्रकार से मैं उनकी ऑयलिंग कर रही थी जैसे इन्होंने बोला था। ये हेयर स्पा का एक पार्ट होता है। अब जैसे जैसे सर्दी आएंगी, विंटर सीज़न आएगा, वैसे वैसे हेयर स्पा मस्त हो जाएगा। ये देखिए मेरा ऑयल है, ये फियाग्रो ऑयल है और ये स्पा ऑयल है। मैं दोनों यूज़ करती हूँ। इसके बाद 15 मिनट मैंने रखा, उसके बाद स्टीम दी मैंने। स्टीम के लिए भी मैंने 15 मिनट्स का टाइम लगाया था। मेरे क्लाइंट ने मुझे मना करा था कि उनकी वीडियोस नहीं ले, फेस की वीडियोस नहीं लेनी, तो मैंने उनके फेस की नहीं ली थी। लेकिन मैंने और पूरा उनका वीडियो पे सब कुछ लिया था। उनकी स्टीमिंग चल रही है, 15 मिनट की स्टीम होती है। जो हमारी डैंड्रफ होती है, जो रूट्स होते हैं उनके पोर्स खुलते हैं स्टीम लेने से। काफ़ी अच्छी स्टीम आ रही थी, उनको अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि कह रही थी कि मेरे को हेडेक हो रहा है, थोड़ी एन्जाइटी थी। एंग्जाइटी की वजह से भी वो थोड़ा सा स्पा लेने के लिए आई थी। वैसे तो उनको लेना ही था, थोड़ा स्टीम से अच्छा रहता है। ये मैं अपना एक मास्क तैयार करती हूँ। ये राइस है, मैंने भिगो दिया था। इसमें मैंने ऑयल डाला है, पियाग्रो ऑयल डाला है, विटामिन ई के कैप्सूल डाले हैं। इसको बॉईल करके मैंने मिक्सी करना है। बॉईल कर लिया था, अब मिक्सी मैंने करा है। देखिए मिक्सी कर लिया था, उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ इसको। ये बहुत अच्छा मास्क बनता है, इससे शाइन भी आती है और रूट्स भी स्ट्रांग होती हैं। ये वाला मास्क मैं हेयर स्पा के लिए यूज़ करती हूँ। देखिए स्टीम अभी चल रही है, मैं अंदर मास्क तैयार कर रही थी। स्टीम अच्छे से होनी चाहिए, तभी उसके पोर्स खुलते हैं। डैंड्रफ का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ऑयलिंग हुई है काफ़ी अच्छी तरीके से, तो डैंड्रफ का भी ध्यान रखा जाता है इसमें कि डैंड्रफ नहीं होनी चाहिए। वैसे भी स्पा लेने के बाद डैंड्रफ ख़त्म भी हो जाती है धीरे धीरे करके। आप रूटीन में हेयर स्पा ले सकते हैं, आप 3 हेयर स्पा रेगुलर लीजिए, देखिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उससे। ये देखिए इनको मैंने अब मास्क लगाना था। मैं देख रही थी इनकी स्टीम के बाद में पोर्स खुल गए थे, काफ़ी अच्छी स्टीम हो गई थी। देखिए लॉन्ग हेयर्स हैं इनके काफ़ी। अब मैं धीरे धीरे करके मास्क जो मैंने बनाया था मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वाला मास्क मेरे को हेड पर अप्लाई करना है इनका। मैं कर रही हूँ धीरे धीरे करके मास्क को अप्लाई। बहुत अच्छा मास्क बनता है, शाइन आती है इससे मास्क में। के बाद जब हम वॉश करेंगे तो शाइन आती है।
अच्छे से उसको मास्क को अंदर तक पहुँचाइए, जिससे कि वो रूट्स में भी पहुँचाए, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं होता, रूट्स में हम पहुँचाते हैं, जिससे कि क्लाइंट का अच्छा सा स्पा हो जाए। वो हमेशा स्पा लेने के लिए आते रहें। थैंक यू।